शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ईरान के मेंबर बनने का पीएम मोदी ने किया इस्तकबाल। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तश्वीश का इजहार किया। कल फ्राइडे को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन SCO की समिट को एड्रेस करते हुए कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के देशों को ये यकीनी बनाना चाहिए कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ना हो। उन्होंने कहा कि भारत सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये लैंडलॉक देश ईरान के चाबहार बंदरगाह से जुड़कर बड़ी इकोनॉमिक पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। मोदी का कहना था कि कनेक्टिविटी की कोई भी पहल वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती है। आपसी विश्वास यकीनी करने के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इनमें सभी देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान निहित होना चाहिए। शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के मंच से पहली बार पीएम मोदी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बोलते हुए कहा कि अफगानिस्तान में पॉलिटिकल चेंज किसी प्रोसेस के तहत नहीं हुआ है और न ही इसके लिए बातचीत का रास्ता चुना गया। भारतीय प्रधानमंत्री का कहना था कि इलाके में सबसे बड़ी चुनौतियाँ अमन, सलामती और भरोसे की कमी से मुतालिक हैं। इन प्रॉब्लम्स की असल वजह बढ़ता हुआ चरमपंथ है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और साफ कर दिया है। उन्होंने शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ईरान की मेंबरशिप का स्वागत किया और इसके लिए तेहरान को मुबारकबाद दी। हमारी ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।